जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 13.2 का, और इसके अंदर हम सीखेंगे, इस वीडियो के अंदर हम इसी क्वेश्चन को सीखेंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर वो स्टेटमेंट दे रहा है, पहले नंबर पे तो देखिए कि आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन दी हुई है ए से बी तक, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट है पी, और यहाँ से एक लेंथ है एल तक। तो वो कह रहा है, अभी अगर इसको गौर से देखें, इस ग्राफ को देखने के बाद, इस फिगर को देखने के बाद, तो स्टेटमेंट भी समझ आएगी। वो कह रहा है इन द फिगर पी इज एनी पॉइंट लाइंग अवे फ्रॉम द लाइन ए बी। ए बी लाइन से पी एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत दूर फासले पे है, अवे है ए बी। देन एम पी एल विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो कह रहा है कि एम पी एल सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा फासला होगा, इफ आपको नीचे तीन चॉइसेस दी हुई हैं। पहली चॉइस में वो कह रहा है, ए चॉइस जो है वो कह रहा है मेजरमेंट पी एल ए, मेजरमेंट एंगल पी एल ए इक्वल्स टू 80 डिग्री, और दूसरी ऑप्शन में वो कह रहा है मेजरमेंट एंगल पी एल ए इक्वल्स टू 100 डिग्री, और तीसरी जो है ऑप्शन वो आपको दे रहा है मेजरमेंट एंगल पी एल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आपको असल में वो ये कह रहा है कि बताइए भैया, ये तो हमने बता दिया आपको कि P से लेके L जो डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन ए बी वो सबसे छोटा डिस्टेंस है, लेकिन होगा कब, जब आपके पास ये एंगल पी एल ए वो एंगल क्या बन रहा हो, 80 डिग्री का बन रहा हो तब, 90 डिग्री का बन रहा हो तब, या फिर 100 डिग्री का बन रहा हो तब। तो इसका बड़ा सिंपल सा और स्वीट सा आंसर है कि अगर किसी भी पॉइंट से आपने सबसे कम डिस्टेंस लेना हो तो आप उस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर गुजार के देखिए। किसी भी पॉइंट से या किसी भी लाइन से कोई पॉइंट अवे हो तो उस पॉइंट से आपने उस लाइन तक का जो डिस्टेंस लेना हो, सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे कम डिस्टेंस लेने के लिए आप क्या कीजिए, गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गुजारिए, तो आपके पास सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। तो फिर यहां से ये प्रूव हुआ कि जो पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। लेकिन परपेंडिकुलर जब आप बनाते हो डिस्टेंस, तो एंगल कौन सा बनता है, आइदर द एंगल विल बी 80 डिग्री और एंगल विल बी 100 डिग्री और एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ये चीज आपको पता है, हम बहुत बार यूज कर चुके हैं कि जब भी कभी परपेंडिकुलर गुजारते हैं किसी लेंथ के ऊपर, तो वो एंगल जो वहां पे जनरेट होता है उस लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ के साथ, वो बनता है 90 डिग्री। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि पी एल, मान लिया क्यों जाए, बल्कि उसने खुद ही बोला है कि पी एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी होगा जब पी एल परपेंडिकुलर होगा लाइन ए बी के ऊपर। और अगर पी एल परपेंडिकुलर है भैया, तो वाजे है कि ये वाला जो एंगल होगा ये राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। तो अब इन तीनों ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए कौन सी ऑप्शन 90 डिग्री की है, वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आंसर के अंदर आपने सिंपल इतना लिखना है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अवे from the line AB is the shortest distance if the PL is the perpendicular, meaning that the angle PLA equals to 90 degree, या फिर C option directly choose कर लीजिए, तो ये इसका answer होगा। बहुत simple सा question था। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं, इसको इरेज करते हैं, और यहां पर भी मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो ये कह रहा है इन द फिगर पी एल इज परपेंडिकुलर, लेकिन पहले, उससे पहले हमें एक ये फिगर बनाना चाहिए, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये है आपके पास लेंथ ए से बी तक, लेंथ है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो मुझे ये भी ऐसे बनाना चाहिए जैसे उन्होंने लिखा है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, ए से पॉइंट बी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, और इसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है एल, जहां से पी से एक परपेंडिकुलर गुजारा हुआ है उन्होंने, ये वाला पी से एल के ऊपर परपेंडिकुलर है। अभी अभी सीखा क्वेश्चन 2 के अंदर, अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल कौन सा बन रहा होगा, 90 डिग्री, इधर भी और इधर भी क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, और अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा एंगल ऑब्वियसली 90 ही होगा। और दूसरी लेंथ उसने दी है यहां से लेके पी से लेके एम तक, और तीसरी लेंथ उसने दी है पी से लेके
इसको थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं क्योंकि ये बन चुका है, तो ये पॉइंट B ले लेता हूं, यहां तक है पॉइंट M और यहां तक है पॉइंट N. अभी आपको वो बोल क्या रहा है, In the figure, PL is perpendicular to the line AB, जैसे नजर आ रहा है, PL is perpendicular to line AB और 90 degree का angle बन गया, and LN is greater than LM, और आपको वो ये कह रहा है, यहां से लेके यहां तक का जो distance है, वो है LN, और यहां से लेके जो यहां तक का distance है, वो है LM, तो वाज़ी पता चल रहा है, that LN is greater than ML, और ये चीज वो आपको given में खुद ही बता रहा है, that measurement LN is greater than measurement LM. ये चीज आपको उसने खुद ही दे दी, आप लिख सकते हैं इसे given के अंदर, और ये भी लिख सकते हैं that angle PLM is equals to 90 degree, या फिर यूं लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, angle PLN is equals to 90 degree, अगर यहां से लेके यहां तक कर दिए, या यहां से लेके यहां तक कर दिए, दोनों ही तरह से ये angle change नहीं होगा, ये तो 90 degree का ही रहेगा. Prove करने के लिए आपको वो क्या कह रहा है, required उसको क्या है, required उसके लिए है that prove that, अब आपको प्रूव ये करना है कि PN is greater than PM, मतलब ये लेंथ जो है P से लेके M तक N तक जो लेंथ है, एक्चुअली PN ये वाली लेंथ PN, वो कह रहा है प्रूव कीजिए कि PN is greater than this length PM, that PN measurement PN is greater than measurement PM. अच्छा अभी देखिए, पहले तो हम इसको वैसे ही देखते हैं और उसके बाद फिर इसको प्रूव भी करते हैं, वैसे ही देखते हैं कि कौन सी लेंथ बड़ी लेंथ होगी, क्या PM बड़ी होगी या PN बड़ी होगी. उसके लिए ये चीजें अब आपने समझ ली हैं, तो फिर ये मैं नीट थोड़ी सी कर लूं, हां इसको निकाल देते हैं ये चीजें. खैर देखिए, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि PLM ट्रायंगल अगर आप लेते हो, यहां से सिर्फ यहां तक PLM ट्रायंगल लेते हो, तो उसमें ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो फिर ये वाला एंगल M और एंगल P, ये दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो फिर एंगल 90 का बनेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करें तो वो क्या होता है 180, तो उनमें से एक एंगल तो हो गया 90 डिग्री का, और फिर ये M एंगल प्लस P एंगल, यहां से यानी LPM एंगल और PML एंगल, इन दोनों को ऐड करें तो बनेगा 90, तो उससे ये हमें पता चला that angle PML is the smaller than angle 90, एक ये पता चला. अब यहां से अगर देखें तो हमें ये पता चला कि एंगल N के ऑपोजिट जो लेंथ है वो एंगल L के ऑपोजिट जो लेंथ है PM वो बड़े एंगल के ऑपोजिट है, और एंगल P से M के ऑपोजिट जो लेंथ है वो PL वो छोटी हुई, इन दोनों से अभी तक हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिली. खैर अगर ये पता चल गया कि ये वाला एंगल जो है, इसको फॉर एग्जांपल मैं एंगल 1 बोल दूं, तो एंगल N आपके पास लेस देन 90 डिग्री होगा, और ये एंगल अगर आपको निकालना हो, ये वाला एंगल M यानी PMN, अगर ये एंगल निकालना हो यहां से लेके P से M से N तक, ये वाला एंगल, तो आप कैसे निकालेंगे, 180 में से ये लेस देन 90 को अगर माइनस करेंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा. अच्छा अगर वो एंगल 1 हमने अभी भी प्रूव किया कि लेस देन 90 है, सपोज वो 80 है, लेस देन 90 तो तभी होगा ना, 80 इज लेस देन 90, तो सपोज अभी के लिए सपोज कर रहे हैं कि ये लेस देन 90 आ गया, अगर ये लेस देन 90 है तो स्ट्रेट एंगल के दोनों एंगल्स को ऐड करोगे, एंगल 1 और एंगल 2 को अगर ऐड करते हो तो आपके पास आएगा 180, और 180 में से अगर लेस देन 90 जो कि अभी हमने माना कि 80 है वो माइनस करेंगे तो 180 में से 80 माइनस किया तो आपके पास आया 100, 100 को अगर आप दूसरी सेंस में कहो तो ये भी कह सकते हो कि वो 90 से बड़ा एंगल है. तो यहां से दो चीजें अभी-अभी आपने सीखी, एक तो ये सीख लिया दैट PML, दो पोस्टुलेट्स लिए हमने, पहला पोस्टुलेट हमने ये ले लिया, निकाला अभी दैट एंगल मेजरमेंट एंगल पी, पी से लेके एम से लेके एल तक PML इज लेस देन 90 डिग्री. दूसरा आपने ये देखा कि PMN मेजरमेंट एंगल
PMN जो एंगल आया है वो आया है greater than 90. उसकी वजह थी कि अगर ये less than 90 है और total angle 1 और 2 को add करें तो 180 होता है और 180 में से less than 90 minus करेंगे तो आपके पास answer greater than 90 आएगा. जैसे अभी अभी हमने एक example ली थी 80 को लेके 180 में से minus किया तो answer 100 आया जो कि greater than 90 होता है. अब ये अगर देख लिया जाए तो उसके बाद angle 2 का तो आपको पता चल गया कि वो 90 degree के opposite है, ये पता चल गया ये वाला. अब पीछे रह गया आपके पास angle n. इस angle को कैसे निकालेंगे? वापस आप वही ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, ये वाली एंगल PLN, ये वाली ट्रायंगल यहां से PLN. तो आप देखिए कि 90 डिग्री का एंगल ये है तो एंगल N और एंगल आपके पास जो बन रहा है, एक तो एंगल बन गया ना N, ये वाला जिसको अभी मैं एंगल 3 का नाम दे रहा हूं, ये एंगल बन गया और एक एंगल आपके पास ये टोटल एंगल बन गया जो कि आपके पास LPN है. और LPN एंगल को और एंगल N को ऐड करें तो वो दोनों भी 90 के इक्वल आएंगे. उसकी वजह है कि एक एंगल ये वाला आपके पास 90 का बन रहा है. देखिए फिर से इसको थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी. आप देखिए यहां से लेके ये ट्रायंगल है एक वाली, जो ये मैं ले रहा हूं P से लेके L से N तक, इसी ट्रायंगल में से मैंने ये ट्रायंगल ली है PLN, उसका ये एक एंगल आ गया 90 डिग्री. अब ये दो एंगल्स अगर आपको ढूंढने हो तो आपको पता है कि ट्रायंगल के तीन एंगल्स को ऐड करें तो वो 180 आता है. 180 में से एक एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री है. अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल P और एंगल N दोनों को ऐड करें तो 90 आएगा. तो मतलब ये हुआ कि एंगल P वो भी 90 से छोटा है और एंगल N वो भी 90 से छोटा ही है. वैसे भी एक प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, एक एंगल 90 डिग्री का हो तो दूसरे दोनों एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स. बाकी दोनों एंगल्स अगर एक एंगल राइट एंगल हो यानी 90 डिग्री हो तो दूसरे दो एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल. और एक्यूट एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल. तो ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है. तो ये अगर एक्यूट एंगल है तो ये लेस देन 90 होगा. तो यहां से ये भी हमें पता चल गया दैट एंगल PNL इज आल्सो मेजरमेंट एंगल PNL इज आल्सो लेस देन 90. ये तीनों पोस्टुलेट्स अभी-अभी आपने ड्रा कर लिए, बल्कि चौथा पोस्टुलेट ये भी लिख सकते हैं दैट मेजरमेंट एंगल PLMN equals to 90 degree. ये जो पहला ये वाला रीडिंग जो 90 degree की बन रही है. अब इन चारों को अगर कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा एंगल 1 भी लेस देन 90 है, एंगल 3 भी लेस देन 90 है, बट एंगल 2 इज ग्रेटर देन 90. और प्रॉपर्टी यूज करेंगे द लेंथ ऑपोजिट टू द लार्ज एंगल इज कंसीडर्ड एज लार्जर लेंथ. दो लेंथ्स को आपने निकालना है, एक P से N है और एक P से M है. इन दोनों में से ही आपने प्रूव करना है कि कौन सी बड़ी लेंथ है, या आपको प्रूव करना है कि PN इज ग्रेटर देन द लेंथ PM. तो अभी हम ये देख रहे हैं कि PM जो लेंथ है, या P से लेके M तक जो लेंथ है वो लेंथ ऑपोजिट है लेस देन 90 डिग्री एंगल के, और जो P से N तक लेंथ है वो लेंथ ऑपोजिट है 90 डिग्री से बड़े एंगल के. तो यहां से ये प्रूव हुआ कि PN इज द ग्रेटर लेंथ एज कंपेयर टू PM बिकॉज PN इज ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल. अब इसी क्वेश्चन को अगर आपने प्रूव करना है, ये तीन पोस्टुलेट्स हमने निकाले थे, आप यहां पे रीजन स्टेटमेंट देते जाएं और दूसरी साइड पे आप रीजन लिखते जाएं तो ये चीज आप सिमिलरली प्रूव कर देंगे इन्हीं पोस्टुलेट से. पहले आप कंसीडर कीजिएगा इन ट्रायंगल PLM एंगल PLM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल PML इज लेस देन 90 डिग्री. ये आप चीज प्रूव कीजिएगा, PML is less than 90, ये पहली प्रूव हो गई. फिर उसके बाद कंसीडर कीजिएगा ट्रायंगल P, फिर उसके बाद आप एंगल 2 निकालिएगा, वो होगा एंगल PMN. वो कैसे निकलेगा? 180 में से अगर आप ये less than 90 यानी एंगल PML माइनस करेंगे तो आंसर आएगा more than 80 या greater than 90, sorry greater than 90, जिससे ये प्रूव हो जाएगा that एंगल PMN is greater than 90.
यहां पे ये दूसरा आ जाएगा और उसकी रीजन क्या देंगे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल यानी एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स को ऐड करें तो वो 180 आता है ये मैं खुद यहां पे नहीं कर रहा लिख सकता हूं बिल्कुल इसी तरह से लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद कीजिए जो मैं बोल रहा हूं एज इट इज ये आपने रीजन देते स्टेटमेंट देते जाना है और साथ इधर रीजन लिखते जाना है फिर जब ये दो चीजें प्रूव हो चुकी होगी पहला ये भी हो चुका होगा तो फिर तीसरे नंबर पे आप कंसीडर कीजिएगा ट्रायंगल PLN यहां पे लिखेंगे कंसीडर नाउ कंसीडर ट्रायंगल PLN और उसके अंदर आप देखेंगे एंगल PNL इज द इज लेस देन 90 डिग्री बिकॉज़ ट्रायंगल PLN के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है तो एंगल PNL और एंगल LPN इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा या उसकी रीजन क्या देंगे आप जब ये लिखेंगे दैट एंगल PNL इज लेस देन 90 उसकी रीजन क्या देंगे द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर लेस देन 90 तो ये हो जाएगा अब उसको आप पोस्टुलेट नंबर 3 का नाम देंगे जब पोस्टुलेट 3 का नाम देंगे तो फिर उसके बाद आप कह सकते हैं दैट दैट लेंथ PN इज ग्रेटर देन लेंथ PM यहां पे सिर्फ इतना ही लिखेंगे दैट PM इज ग्रेटर देन PN और उसके आगे रीजन में आप क्या लिखेंगे दैट द रीजन होगी लेंथ ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज ऑलवेज लार्ज और फाइनली ये चीज भी प्रूव हो जाएगी ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.3 और चैप्टर 20 के साथ ही ये अला खत्म हुआ उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल पिछले चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस की तरह से इस एक्सरसाइज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आप जरूर हमें अपने आइडियाज शेयर करेंगे अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट करते वक्त हेजिटेट नहीं कीजिएगा हम आपके लिए वो वीडियो भी कमेंट करने जो कमेंट पे आप हमें बताएंगे वो वीडियो भी इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करके अपलोड कर देंगे एक चीज़ फिर बताना चाहता हूँ एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों के जितने भी कॉमेंट्स अब तक हमें मिल रहे हैं उन्होंने उन कॉमेंट्स ने हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है हम आपके वो जो कमेंट्स हैं उनकी वीडियोस प्रिपेयर इंशाल्लाह करके अपलोड कर रहे हैं वो जैसे ये आपका सिलेबस जो है अभी 13 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो पीछे आपके 4 चैप्टर्स रह गए जैसे ही वो चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे वीडियोस उनकी भी अपलोड कर देंगे उसके बाद फिर आपकी जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे जितने भी कमेंट्स होंगे वो भी हम अपलोड ज़रूर करेंगे थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़